नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ रानी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मेरे चैनल पे एक स्पेशल गेस्ट है, इट्स नन अदर देन माय मॉम रंजना दास। शी इज हियर नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, इनसे पहले भी ये मेरे साथ आ चुकी है, रिएक्शन दे चुकी है मदर्स डे स्पेशल पर। हम लोगों ने 3 बैक टू बैक वीडियोस बनाए थे एंड यू ऑल लव्ड हर सो मच। सो इसलिए क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो है जिसपे हम रिएक्शन देने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मम्मी को बुलाऊं, क्योंकि शी इज अ बिग बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित। एंड हम दोनों ने बचपन से बड़े होने तक हमने बहुत सारी मूवीज देखी है माधुरी दीक्षित के एक साथ। यू रिमेम्बर, दिल तो पागल है जब टीवी पे आया करता था, हम दोनों बैठ के यू नो बहुत सारी बार, या बहुत बार एक साथ देखे हैं, बहुत सारे अमेजिंग मेमोरीज हैं। एंड इट्स अ ट्रीट वॉचिंग माधुरी दीक्षित ऑन स्क्रीन डांसिंग। तो क्योंकि वो अपना कमबैक कर रही है इस फिल्म में डांसिंग वाला, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो यस वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट सॉन्ग। सो ये जो गाना है ये है तबाह हो गए फ्रॉम कलंक, and this stars none other than Madhuri Dikshit herself, और इसे कंपोज किया है प्रीतम दा ने और सिखाया है श्रेया घोषाल ने। सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स गेट इन टू दिस रिएक्शन इन 3, 2, 1 तो बहुत पसंद आया। लेकिन पहले आपके आपसे जाने के आपको कैसा लगा ये गाना? बहुत अच्छा लगा, इतना दिन बाद फिर से उसके सामने देखा। पहले भी बहुत प्यार से मेरे फैन थे मैं, आज भी देखा तो बहुत। और माधुरी दीक्षित का कॉस्ट्यूम के बारे में क्या कहना है? Isn't she looking beautiful? बहुत ग्रेसफुल था एज यूजुअल, ऑफ कोर्स शी इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस। जब भी वो डांस करती है क्रिएट्स मैजिक ऑन स्क्रीन और हम सब देखते रह जाते हैं और ऐसे ही एकदम भौचक्का टाइप के रह जाते हैं। वापस शी क्रिएटेड मैजिक ऑन स्क्रीन अगैन, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि गाना ऐसा था जो जहाँ पे यू नो इट्स नॉट लाइक हाई ऑन बीट वाला गाना जहाँ पे आप बहुत नाच सकते हैं, ये बहुत ही तहजीब वाला गाना है। शी इज प्लेइंग ए मुस्लिम वुमन इन दिस फिल्म, ग्रेसफुल होना चाहिए, एक अदा होनी चाहिए, वो सब था इस गाने पे। और ये गाना जो था ना वो एक्चुअली हार्ट ब्रेक गाना है, तबाह हो गए जब हम आपसे बिछड़ गए तो तबाह हो गए, ये दुख वाला गाना है, आप हंस नहीं सकते इसमें। तो जो एक्सप्रेशन थे उनके एकदम परफेक्ट लगे मुझे, हाथों की जो मुद्राएं थी जिस तरीके से उन्होंने किया इट वॉज परफेक्ट, और उनकी जो कॉस्ट्यूम से उन्होंने जो अनारकली ड्रेस पहना था इट वॉज फैबुलस, शी लुक्ड गॉर्जियस लाइक मिलियन बक्स। और उनकी स्माइल के तो क्या कहने, स्माइल एक बार भी नहीं किया, बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन यही उनका सबसे सबसे बड़ी सीक्रेट है, बिल्कुल सही।
ओवरऑल आई लव दिस सॉन्ग. और श्रेया घोषाल की आवाज के बारे में क्या कहना है? ओफ, वो तो मेरे एकदम दिल का अंदर पहुंच गया. इतना बढ़िया लगता है श्रेया घोषाल को, वो आवाज तो मुझे बहुत ही पसंद है. After all, she's a Bengali, right? Bengalis ki baat kuch alag hoti hai, and of course, she has a beautiful voice. वो जब भी गाती है, वो दिल से गाती है और आपके दिल को जाकर छू जाती है. तो of course, this song touched my heart. I'm going to listen to this song again. And yeah, maybe बहुत सारे लोग complain कर रहे हैं कि शायद और भी कुछ हो सकता था, और भी कोई steps हो सकते, लेकिन you have not watched the full song. अभी तक पूरा गाना आप लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म का प्रमोशनल गाना है, छोटा आपको दिखाया जा रहा है, इससे ज्यादा भी है, बहुत कुछ है जो कि अभी तक नहीं दिखाया गया है. सो प्लीज वेट कीजिए फिल्म का, उसके बाद देखिए, क्योंकि माधुरी दीक्षित नेवर डिसअपॉइंट्स. वो कुछ भी करे, अगर चुपचाप से खड़ी भी रहे एक जगह, इट्स ग्रेसफुल पर्सोनिफाइड, इट्स ब्यूटीफुल. ओके, आई लव दैट, आई लव द कोरियोग्राफी, जितना भी उन्हें दिया गया, शी डिड अ फैबुलस जॉब. सरोज खान और रेमोडी सुजा ने कोरियोग्राफ किया गाने को, सो इट वॉज परफेक्ट फॉर मी, इट वॉज परफेक्ट फॉर यू. यस, of course. So yeah, we both enjoyed this song. अगर आप लोगों को भी हम लोगों का reaction पसंद आया हो, और ऐसे ही और भी reactions आप लोग लिखना चाहते हैं, तो जल्दी से नीचे comment कीजिए और मुझे बताइए कि क्या और है जो आप लोग मुझे और मेरी मम्मी को react करते हुए देखना चाहेंगे. जल्दी से subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए और ढेर सारा प्यार बांटिए. आप लोगों को हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए चाओ.